वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए सेकंड चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक से लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग शाब्दिक मीनिंग है खोया हुआ बसंत। बसंत यहाँ यूज हुआ है आदमी के जीवन में जो सबसे सुंदर अवस्था कौन सी होती है, जैसे जितनी भी सीजन्स होती है, ऋतुएं होती है, उसमें बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन होती है वो सबसे ब्यूटीफुल सीजन होती है। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में सबसे सुंदर अवस्था अगर कोई होती है तो वो होती है चाइल्डहुड। तो इसका जो दूसरा मीनिंग है खोया हुआ बसंत या खोया हुआ चाइल्डहुड, नीचे लिखा भी है स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, यानी कि चुरा लिए गए बचपन की कहानियाँ। कुछ बच्चों का बचपन ऐसा होता है जो गरीबी की वजह से और चाइल्ड लेबर की वजह से वो उनसे छीन लिया जाता है उनका बचपन। तो ऐसी ही दो कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई है जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो राइटर है अनीश जंग और वो राउरकेला में उनका बर्थ हुआ था, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड है एडोलेसेंस टीनेज है वो हैदराबाद में बीता। उनका एजुकेशन कुछ हैदराबाद में हुआ और हायर एजुकेशन अमेरिका में हुआ। उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो राइटर्स थे और उन अनीश जंग ने भी अपना जो करियर है एज ए राइटर स्टार्ट किया था। वो एक एडिटर रही है न्यूज़पेपर्स के लिए, एडिटर के रूप में काम किया है, कॉलमनिस्ट के रूप में काम किया है, कॉलम लिखती थी न्यूज़पेपर्स के लिए इंडिया में भी और अब्रॉड यानी विदेशों में भी, और बहुत सी बुक्स भी उसने लिखी है। शी हैज़ ऑथर्ड यानी लिखी है बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। तो ये जो एक्सेप्ट है, ये जो लिया हुआ पार्ट है, ये उनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, वहाँ से लिया गया है। उसी नाम से, जिस नाम से ये चैप्टर है उसी नाम से बुक है। हियर शी एनालाइजेस, यहाँ पर वो एनालिसिस कर रही है किसका, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि उनको जो पीस देने वाली जो पॉवर्टी है और ऐसी कुछ ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन में धकेल देती हैं, है ना, उनको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बना देती है, ऐसी परंपराओं के बारे में ऐसा वो राइटर बता रही है। तो इसमें कुछ वो ये जो फ्रेजेस यूज हुई है, लुकिंग फॉर, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की तलाश करते हुए, है ना, ढूंढते हुए, सर्च करते हुए। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, इसका अर्थ है कि दिन बिताना, किसी तरीके से वो अपने दिन बिता रहे हैं। रूप ओवर हिज हेड, इनके घर के ऊपर छत, इनके आवास रेजिडेंस। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इनकी लगातार गरीबी की दशा। डार्क हटमेंट्स, इनकी ऐसी झोपड़ियाँ जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हो, ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बस्तियाँ। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इनके बच्चे के सिर पे बोझ डाल देना। तो ये इस तरह से कुछ फ्रेजेज हैं जो इस चैप्टर में अपने को यूज़ होंगी। तो पहली स्टोरी इसके अंदर है, इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज है। पहली है एक साहिब करके रैग पिकर है उसकी, और दूसरी स्टोरी है मुकेश करके जो चूड़ी बनाने वाले बैंगल मेकर है फिरोजाबाद का उसकी। पहला बच्चा है साहिब जो कि दिल्ली का रैग पिकर है, बांग्लादेश से आए हुए हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं। तो उसकी स्टोरी हम शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज इनकी कचरे के अंदर एक रुपया मिल जाता है। तो राइटर शुरुआत ऐसे करती है कि वो उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, तो साहिब को वो पूछती है जो कि हुम आई एनकाउंटर, जिसको मैं मिलती हूँ, सामना, जिससे उसका आमना सामना होता है एवरी मॉर्निंग, हमेशा सुबह सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस के जो गार्बेज डंप्स है वहां पर वो गोल्ड को सर्च कर रहा होता है। स्क्राउंजिंग यानी ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पर अर्थ है वैल्यूएबल थिंग्स। इनकी वो साहिब को पूछती है जिसका हमेशा उसका आमना सामना कहाँ होता है, उनके पड़ोस के जो गार्बेज डंप्स हैं, कचरे के ढेर हैं, वहाँ पर वो कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, वहाँ हमेशा वो उसको मिलता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। उनका घर कहाँ था, सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे इलाकों में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर कोई बहुत दूर की याद नहीं है कि दो चार पीढ़ी पहले आया हूँ। There were many storms. इनकी उन जहाँ उनका घर था वहाँ पर बहुत सारे storms आते थे, तूफान आते थे जो क्या करते, swept away their fields and homes. उनका जो खेत है, खेत में फसलों वाले खेत हैं, उनके घर हैं, उसको swept away, बहा कर ले जाते। तूफान के साथ जो बारिश आती, बाढ़ आती, उस बाढ़ में उनके घर खेत सब बह जाते थे, ऐसा उसकी मदर उसको बताती है।
दैट इज वाई का अर्थ होता है इसी कारण से, इसीलिए उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो बड़े शहरों में आगे कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, कुछ अच्छा गोल्ड पाने के लिए, वैल्यूएबल चीजें पाने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वो कुछ बड़बड़ाता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो सबसे पहले पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को और कोई काम एल्स यानी और कोई काम नहीं है। तो गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, फ्लुएंटली, ग्लिबली मीन्स फ्लुएंटली, ऐसे जल्दबाजी में बोल देती है कि भाई स्कूल चला जा। फिर अचानक से रियलाइज होता है, इमीडिएटली तुरंत उसको रियलाइज होता है कि हाउ होलो, कितनी खोखली है वो सलाह, उस बच्चे को कितनी खोखली लगी होगी वो सलाह, है ना, साउंड एंड लगना प्रतीत होना, तो उसको कितनी खोखली ये सलाह लगी होगी, क्योंकि जिस बच्चे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा हो, पेट भूखा हो, उसको स्कूल की कहां सूझेगी। फिर भी वो आंसर देता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, नेबरहुड इन पड़ोस में, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इनके जब वो स्कूल बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राइटर अचानक से कह देती है कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो तुम आओगे क्या, आई आस्क हाफ, जो कि मजाक में ही करती है वो। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पर और वो कहता है यस मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो राइटर कह रही है कि मैं देखती हूं कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और क्या पूछा आते ही, इज योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल रेडी हो गया क्या। तो फिर वो आंसर देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, बेटा टाइम लगता है, टेक्स लॉन्गर यानी कि लंबा टाइम लगता है टू बिल्ड अ स्कूल। आई से, वो रिप्लाई तो दे दिया बट अपने आप को बहुत एम्बरेस्ड फील किया, एम्बरेस्ड फील हुआ, है ना, शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो शी डिड नॉट मीन, वो उसको करना ही नहीं था, पूरा वो काम करना ही नहीं था, फिर भी उस काम को करने का प्रॉमिस कर दिया। लेकिन इस टाइप के प्रॉमिसेस ऑफ लाइक माइंड, जैसा प्रॉमिस इसने किया था स्कूल बनाने का, ऐसे प्रॉमिस तो अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके ब्लीक यानी होपलेस वर्ल्ड में, उसके निराशा भरे संसार में ऐसे वादे तो भरे हुए पड़े हैं, अबाउंड है, खूब सारे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने हो गए उसको जानते हुए, आई आस्क हिम इज नेम, तो फिर आखिर एक दिन नाम पूछा, वो क्या बताया नाम, साहेब ए आलम, वो ऐसा बताता है, अनाउंस करता है, लेकिन ही डज नॉट नो कि वॉट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है ये उसे नहीं पता। अगर वो उसका मीनिंग जानता, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है साहेब ए आलम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी, तो इट वुड हैव बीन हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो खुद इसको बिलीव करने में बड़ा हार्ड लगता उसको। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या मतलब होता है, इस चीज के बारे में वो पूरी तरह से अनअवेयर है, सावचेत नहीं है, और वो क्या करता रहता है, रोम्स द स्ट्रीट्स, गलियों में आवारा घूमता रहता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कौन है, उसके दोस्त है एक पूरा ग्रुप है, एक आर्मी इनकी ग्रुप है, बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव चलने वाले लड़कों का, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जैसे सुबह सुबह पक्षी आते हैं वैसे वो अपनी गलियों से निकलते हैं बच्चे, और डिसअपियर एट नून, दोपहर में गायब हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में धूप तेज हो जाती है तो वो अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, ये राइटर कह रही है कि इतने महीने हो गए, इसलिए आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, एक एक को मैं पहचान लिया है, मैंने रिकग्नाइज कर लिया है, उनका नाम जानने लग गई हूं। तो फिर एक दिन पूछती है राइटर कि व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। तो वो बोला माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मम्मी ने शेल्फ से नीचे नहीं लाई, इनके शेल्फ पे रखे हुए थे ऊपर, मम्मी ने मुझे लाके नहीं दिए, वो नीचे लेके नहीं आई। तो ही आंसर्स सिंपली, तो दूसरा लड़का क्या कहता है कि इवन इफ
शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अगर इसकी मदर ला देती ना, इवन इफ शी डिड, अगर वो ऐसा कर लेती, शेल्फ से नीचे ले आती, तो भी ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उसको फेंक देता, मीन्स ये चप्पल पहनता ही नहीं है। एड्स अनदर, जिसने एक दूसरा लड़का ऐसा आंसर देता है जो कि खुद पहन रखा उसने, वियरिंग शूज, और शूज कैसे हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो उसने जब उसने जूते पहन रखे थे, इस पर राइटर कह रही मैंने कुछ कमेंट किया, तो उसने कुछ नहीं किया, वो अपने पैर घसीटता रहा, शफल यानी पैर घसीटना, ऐसे घसीटते हुए चलना। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बॉय कहता कि मुझे शूज चाहिए, मेरे पास शूज नहीं है, आई वॉन्ट शूज। जिसने ही हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं रखे, जूते खरीदे ही नहीं, उसको मिले ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब वो एक कॉमन सिचुएशन बताती है पूरे देश में कॉमन कंडीशन कैसी है, कि जब मैंने अक्रॉस द कंट्री लगभग पूरे देश में ट्रेवल किया, तो आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है जो कि बेयर फुट वॉक कर रहे हैं, नंगे पांव ही चलते रहते हैं, चाहे सिटीज की बात हो, विलेज रोड की बात हो, कहीं पर भी। तो इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कहते हैं कि ये लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, बट एक ट्रेडिशन है नंगे पांव चलने की। एक तो ऐसी एक्सप्लेनेशन मिलती है, जब भी पूछते हैं कि नंगे पांव क्यों चलते हो, कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है नंगे पांव ही जाना चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, ऐसे ही नंगे पांव चलने की परंपरा है। तो आई वंडर, लेकिन राइटर कह रही मुझे लगता है कि दिस इज ऑनली एन एक्सक्यूज, कि एक सिर्फ बहाना है, एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की लगातार चलती स्थिति को टू एक्सप्लेन अवे, कि गरीबी तो कैसे बताएं, तो ये बहाना कर देते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा है, बाकी एक्चुअली इसका रीजन है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की लगातार चलती कंडीशन, लगातार लंबी गरीबी के कारण लोग चप्पल नहीं पहनते। तो आई रिमेंबर अ स्टोरी, अब राइटर कह रही है कि स्टोरी मुझे याद आ रही है जो कि उडीपी से एक आदमी ने मुझे बताई थी। तो एज ए यंग बॉय, वो आदमी ने क्या बताया था कि जब वो छोटा था तो ही वुड गो टू स्कूल, जो कि टेंपल के पास से होके आगे जाने पर उसकी स्कूल थी, और उस टेंपल में हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, उसके फादर प्रीस्ट थे, तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेंपल। तो वो लड़का कह रहा है कि मैं जब छोटा था तो टेंपल पे रुकता था और क्या प्रे करता था, पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी मिल जाए मुझे। जब राइटर कह रही है 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और उस टेम्पल में मैंने जब विजिट किया, जो कि अभी ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, अब लगभग वो वीरान हो चुका था मंदिर, वहाँ वीरान हो गया कि वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो उसके बैकयार्ड में मंदिर के पीछे की तरफ वहाँ पर नया पुजारी रहता था, और उस पुजारी के पास रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स थी, वहीं पर अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए एक यंग बॉय आता है, छोटा सा लड़का आता है, जिसने सॉक्स और शूज पहन रखे हैं, मोजे और जूते, और वो हांफते हुए आता है, अराइव्ड पेंटिंग 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 यानी हांफते हुए, अपना बैग को उसने फेंका फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखा तो मुझे वो याद आ गया, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे उस लड़के की बात याद आ गई जिसने कहानी सुनाई थी कि वो देवी से ये प्रेयर करता था कि जूते मिल जाए। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि जब उसने फाइनली जूते मिल गए थे उसको, तो अब उसकी प्रेयर क्या थी, लेट मी नेवर लूज देम, मेरे जूते कभी गायब नहीं हो, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो देवी ने उसको वरदान भी दे दिया था, उसकी प्रेयर को फुलफिल कर दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट ना वोर शूज, अब उस पुजारी के लड़के जैसे जो यंग बॉयज थे वो अब जूते पहनते थे, लेकिन दूसरे काफी थे, मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड, वो कह रहे मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स थे, कचरा बीनने वाले थे, वो अभी भी शूलेस थे, बिना जूतों के थे। अब राइटर कह रही माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान उन लड़कों के साथ हुई,
तो जो बेयर फुट नंगे पांव वाले रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स कहते हैं कचरा बीनने वाले, तो वो उनकी जान पहचान से वो लीड करके इनके उसको लीड्स टू सीमापुरी, वो सीमापुरी में ले गई उसकी, उनकी जान पहचान उसको सीमापुरी में ले गई। तो सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर ही, दिल्ली की सीमा पर ही एक स्थान है, लेकिन माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली ये दिल्ली से मीलों दूर है। इनकी वैसे तो ज्योग्राफिकली तो दिल्ली के नजदीक है, लेकिन मेटाफोरिकली इनके दिल्ली का विकास देखो और इस स्थान का विकास देखो तो उस मामले में ये दिल्ली से बहुत दूर है। ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा दिल्ली है, क्योंकि वहां तो क्या है, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, यहां कौन रहते हैं, अवैध निवासी है ये सारे, जो बांग्लादेश से आए थे 71 में। साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है, साहिब आलम जो लड़का था ना उसकी फैमिली। सीमापुरी उस समय एक वाइल्डरनेस थी, एक जंगली इलाका था, कोई ज्यादा वहां लोग नहीं थे। इट स्टिल इज, कह रहे अभी भी वैसा ही है लगभग, लेकिन ये खाली नहीं है, पहले खाली था एकदम, यहां कोई रहते नहीं थे, अब यहां पर भरे हुए हैं, लोग खूब सारे बैठे हैं। तो यहां पर कैसे मकान है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मुड विद रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, इनकी कीचड़ और गारे से बने हुए, मिट्टी से बने हुए स्ट्रक्चर है, झोपड़ियां हैं यहां पर, मकान है, और ऊपर टिन और टारपोलिन प्लास्टिक की छत बनाई हुई है। कोई सीवेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर, सीवेज सिस्टम जो गटर लाइंस वगैरह होती है तो वो वहां पर सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है पानी को, नाले वगैरह, और रनिंग वाटर भी नहीं है, पानी पहुंचाने की कोई सुविधा भी नहीं है। 10,000 फैमिलीज ऐसी सिचुएशन में वहां रहती है, 10,000 रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, 30 साल से, 71 से 2000 तक लगभग 30 साल हो गए बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के रह रहे हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है और वो अनाज खरीद सकते हैं, है ना, इतना उनको सुविधा मिल गया है। तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इनकी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारा जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आइडेंटिटी। हमको आइडेंटिटी कार्ड मिले ना मिले, फूड मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ औरतें कहती है कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, जब रात होती है उस समय अगर हम अपने फैमिलीज को खिला सकें, फीड कर सकें, और जब सोते हैं, गो टू बेड, जिस समय सोते हैं उस समय अगर पेट में चूहे नहीं कूद रहे हों, विदाउट एकिंग स्टमक, इनके पेट में अगर चूहे नहीं कूद रहे हों, तो हम यहीं पर रहेंगे, वी वुड रेदर लिव हियर देन, बजाय कि उन खेतों में, उन फील्ड्स में जहां हमें कोई अनाज नहीं मिलता था, भूखों मरना पड़ता था, उसकी बजाय हम कहां रहेंगे, दिल्ली में इस सिचुएशन में रह लेंगे। तो ये कौन कहता है, अ ग्रुप ऑफ विमेन, औरतों का एक ग्रुप है जो कि बिल्कुल टूटी फूटी साड़ियां पहना हुआ है, और उनको जब ये पूछती है राइटर कि उन्होंने अपने ब्यूटीफुल लैंड, एकदम सुंदर हरा भरा इलाका और नदियों वाला इलाका क्यों छोड़ा, तब वो कहती है कि वहां पर भूखों मरते थे, या फूड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आइडेंटिटी। वहां पर हमारे पास बांग्लादेश में आइडेंटिटी तो थी लेकिन फूड नहीं था। ये कह रही है कि रात में अगर जब फैमिलीज को खाना खिला सकें, भूखे पेट सोना नहीं पड़े, तो हम यहाँ रह लेंगे। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, जहां उनको खाने पीने को कुछ मिल जाए वहां वो अपने टेंट पिच, यानी गाड़ देना, अपने टेंट गाड़ देते हैं, और वही टेंट उनका ट्रांजिट होम बन जाता है, चलता फिरता घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे उन्हीं घरों में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल सीमापुरी में इसका क्या मतलब है, कोई नौकरी नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बीनना, बस एक ही साधन है। थ्रू द ईयर्स, इतने सालों से इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, उन लोगों के लिए ये एक कैसी सिचुएशन, कैसी कंडीशन प्राप्त कर चुका है, एक फाइन आर्ट बन चुका है, कचरा बीनना भी एक कला बन चुकी है ना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके लिए जो गार्बेज है वो एक गोल्ड है, गोल्ड की तरह है, गोल्ड मीन्स बहुत वैल्यूएबल चीज है, कीमती चीज है।
इट इज द डेली ब्रेड, ये गार्बेज ही है जिससे उनको डेली का ब्रेड मिलता है, रोटी मिलती है, उनके सिर पे छत मिलती है, हालांकि हो सकता है वो लीकिंग छत हो, लीक होने वाली छत हो, लेकिन बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। तो बड़ों के लिए तो ये सर्वाइवल का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए रैग पिकिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी आश्चर्य वाली बात है। एक बच्चा कहता है आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी कचरे में रुपया मिल जाता है या 10 रुपी नोट भी मिल जाता है, साहिब कहता है ऐसा। और ऐसा कहते ही उसकी आंखों में एक लाइटिंग चमक आ जाती है। तो राइटर कह रही है कि वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप इनकी ढेर, कचरे के ढेर में, गार्बेज के ढेर में आपको अगर चांदी का सिक्का मिल सकता है तो फिर आप डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, उसको ढूंढना बंद नहीं करते, कचरे को कचरे में हाथ डालना और उसको तलाशते रहना ये बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार सिक्का मिला था, इस बार हो सकता है कुछ और मिले। क्यों? क्योंकि देर इज ए होप फॉर फाइंडिंग मोर, ये आशा रहती है कि और कुछ मिलेगा। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है जो फ्रॉम वॉट इट मीन्स फॉर देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है उसकी बजाय बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, ये जो कचरा है एक तरह वंडर में लपेटा हुआ है, उसको जैसे जैसे वो कुरेदते हैं, हाथ डालते हैं उसके अंदर, अंदर से वंडरफुल चीजें उनको मिलती रहती है। जबकि बड़ों के लिए क्या है? सर्वाइवल का साधन है, आजीविका का एक साधन है, जीवन चलाने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, तो सर्दियों की एक दिन सुबह क्या हुआ, वो राइटर कहा क्या देखती है कि साहिब खड़ा है, साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। तो पड़ोस में कोई क्लब था, उसके गेट के बाहर फेंसिंग की हुई थी, चार दीवारी की हुई थी, और ऐसे उस गेट के पास वो खड़ा था और क्या कर रहा था, वॉचिंग देख रहा था। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेन ट्रेनिंग्स, व्हाइट ड्रेस पहने हुए दो यंग मैन थे जो टेनिस खेल रहे थे और वो उसको देख रहा था। वो कहता है आई लाइक द गेम, ही हम्स इनकी बिना किसी जॉय के ऐसे कहता है मुझे गेम पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो खुश होकर कह रहा, क्योंकि वो खेल नहीं पा रहा, वो कंटेंट है, कंटेंट मीन सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, किस में, इसको देखने में ही संतुष्ट है। बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के बाहर से ही वो इसको देख करके कंटेंट है, वो संतुष्ट है। और वो क्या कहता है कि आई गो इनसाइड, कि मैं कभी कभी अंदर भी जाता हूं, वेन नो वन इज अराउंड, आसपास में कोई आदमी नहीं होता, जब एक खिलाड़ी वगैरह यहां नहीं होते तब मैं अंदर जाता हूं, ऐसा वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है। जो गेट कीपर है वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड है, लेट्स मी यूज द स्विंग, वो मुझे परमिशन दे देता है, मैं स्विंग यूज करता हूं, झूलता हूं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, आज उसने क्या देखा कि साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं, हालांकि वो बड़े स्ट्रेंज दिखता है उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर, उसने जो निकर पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है, उसका कलर उड़ा हुआ है, और उसके नीचे उसने टेनिस के शूज पहन रखे हैं, जो कि बड़ा अजीब लगता है। तो राइटर वो पूछता है, वो कहता है साहिब कि समवन गेव देम टू मी, कि मुझे किसी ने ये दिए थे कि तू पहन ले। He says in manner of an explanation, वो इस तरह से explain करता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, fact क्या है? सच्ची बात ये है कि किसी rich boy ने इन shoes को discard कर दिया है, use से बाहर कर दिया, उसने पहनने से मना कर दिया है। Who perhaps refused to wear, क्यों? उसने मना क्यों कर दिया? Because of a hole in one of them, उन दोनों shoes में से किसी एक shoes में hole यानी छेद हो गया था, और ये चीज उसको कोई परेशान नहीं करती, होल हो चाहे नहीं हो, इससे साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो जूते मिल गए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो हमेशा नंगे पांव ही चला हो, तो उसके लिए तो शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, अगर छेद वाले जूते भी मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे सपना सच हो गया, ड्रीम उसका ट्रू हो गया। बट द गेम, लेकिन जो गेम वो देख रहा है, इनके टेनिस का गेम, ये उसके लिए आउट ऑफ रीच है,
उसकी पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ रीच, और उसको उस गेम को वो इंटेंटली ध्यानपूर्वक देख रहा है, ये गेम उसकी आउट ऑफ रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है। अब क्या होता है, एक दिन सुबह क्या होता है कि साहेब इज ऑन इज वे टू मिल्क बूथ, वो डेयरी की तरफ जा रहा है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में क्या है, स्टील कैनिस्टर, स्टील की एक बर्नी है, स्टील का एक बर्तन है जिसमें दूध वगैरह ले जाते हैं। और वो क्या कहता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, आजकल मैं कहां काम कर रहा हूं, एक टी स्टॉल पर काम कर रहा हूं, डाउन द रोड, रोड में आगे की तरफ कहीं, उसने बताया ऐसा कह रहा है इशारा करते हुए दूर कहीं। और वो कह रहा है आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, तीनों टाइम का खाना और 800 रुपए उसको मंथली पेमेंट मिलता है, 800 रुपए और तीनों टाइम का खाना मिलता है। फिर पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, आपको ये जॉब पसंद है क्या, आई आस्क, तो उसका फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस से जो निश्चिंतता का लुक है, पहले एकदम केयर फ्री रहता था, कोई टेंशन नहीं था, वो लुक एकदम उड़ गया। क्यों, अब उसको वो कई बार पूछते हैं कि उसको ये जॉब पसंद है कि नहीं है, तो उसको ये जॉब पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि जो स्टील की भरनी वो कैरी करता है, द स्टील कैनिस्टर जो है वो हैवियर, ज्यादा भारी है बजाय कि प्लास्टिक बैग जिसमें वो कचरा बीनता था, जो अपने शोल्डर पर कैरी करता था उसकी बजाय। दूसरी बात, वो जो बैग था वो उसका खुद का था, बैग वॉज हिज, ये जो कैनिस्टर है ये उस आदमी का है जो उसका टी स्टॉल है, यानी कि ये उसका खुद का नहीं है। तो इस तरह से साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अपनी मर्जी का मालिक अब नहीं रहा, पहले अपनी मर्जी का मालिक था। इस तरह से जो रैग पिकर है दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले, उन बच्चों के साथ क्या बीतती है, कैसे वो अपना लाइफ बिताते हैं, गरीबी की वजह से बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, ये सारा स्टोरी था यहाँ पर। अब हम चलते हैं इस स्टोरी के सेकंड पार्ट, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जहाँ एक दूसरी स्टोरी है और वो है फिरोजाबाद के मुकेश की स्टोरी।